ये ज्यादा शॉर्ट हो गए, अब मैं क्या करूं, इतने सारे बाल कट गए मेरे। ये सारे कट गए। ओ देख। ओ। और गाइस सो वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग, और सिमरिधि और मैं बिल्कुल रेडी हैं टू मेक अ वेरी यूनिक व्लॉग ऑन दिस चैनल, ऑन दिस चैनल मैडी राइडर का चैनल। भाई ये वाला व्लॉग आएगा जिंदगी में, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। और इसने सोचा नहीं, आई डोंट नो, बट अब जब मेरे साथ ये है, अटैच्ड है और मेरी लाइफ का पार्ट है, तो मैं अपनी लाइफ दिखाता हूँ, तो मेरी लाइफ में ये भी है, तो ये जो करेगी वो मैं भी इस चैनल पे दिखाऊंगा, तो देखते हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल व्लॉग है, अच्छा ही होना चाहिए। और स्मृति करने क्या जा रहे हैं प्लीज़ बताओ। और मैं जा रही हूँ कटिंग करवाने, और करवाने जा रही हूँ स्पा, और देखते हैं कि उसके बाद मेरा लुक कैसा होता है। अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसी कैसी कटिंग करवाऊंगी, तो उनको पूछ के ही करवाऊंगी, देखते हैं कौन सी मेरे को कटिंग पसंद आती कौन सी नहीं। तो चलो चलते हैं। स्मृति के बाल जो है वो थोड़े से थोड़े मतलब लंबे तो बहुत लंबे हैं, बस फ्रीजी हो गए। अरे झाड़ू तो नहीं बोलो, अरे मतलब मैं वहाँ पे रहती थी जब, तो वहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी ना, तो ऐसे ज्यादा ओवरऑल मुझे तो लगता है। और उसके बाद देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, वो तो बहुत कुछ ही बोल देते हैं, ये करवाओ ये करवाओ ये करवाओ। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं लैक्मे जगह, हम जा रहे हैं लैक्मे पंचतीर्थी। तो जम्मू के जो लोग उनको पता है, और पूरा दिखाएंगे और प्रोसेस दिखाएंगे और रेट्स सब कुछ बताएंगे। यस, लेट्स गो। 3, 2, 1 टिंकलिंग बाय। बाल कुछ ऐसे हैं, ये है बिफोर बाल, बिफोर द हेयर कट। ये सही है, मार गए यार। ये सही है। बहुत अच्छे
लुक इज सो फाइन बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय। यार मेरे को ना लेंथ कम नहीं करवानी थी तो ये ज़्यादा शॉर्ट हो गया, अब मैं क्या करूँ, इतने सारे बाल कट गए मेरे। ये सारे कट गए ओ देख ओ बाप रे बाप इतने बाल तो। तो गाइस आप कमेंट करके बताओ इसके बाल अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। मुझे तो अच्छे लग रहे हैं बट स्मृति ये पता नहीं कब लंबे होंगे, अब 2-10 साल लग जाएंगे, अब मैं क्या करूँ। तो स्मृति ने तो हेयर कट करवाया और मैंने भी पूरा अपना हेयर कट करवा लिया और मैंने बियर्ड सेट करवा लिया फॉर द लद्दाख ट्रिप और आई थिंक आई एम लुकिंग गुड। प्लीज यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन इन द वीडियो कि मैं कैसा लग रहा हूँ अभी, कैसा लग रहा है। ये रोल्स काफ़ी अच्छे हो गए यू कैन सी, और इसने ज़्यादा बाल थे बट थोड़े कम हो गए, जिसका हमें थोड़ा सा दुख है बट मेरे को ज़्यादा दुख है बट इट्स लुकिंग रियली फैबुलस। मैं तेरे को पक्का कह रहा हूँ बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले कि बहुत सुंदर लग रहा है। इतना ज़्यादा तो कट नहीं करवाया। हाँ एक्चुअली थोड़ा टाइम हो गया इसको, हाँ इसमें हेयर वॉश करेगी तो वो पूरे थोड़ा सा ये जो कर्ल्स वगैरह ये फुल मतलब धुल जाए, हाँ, खराब ओपन हो जाएंगे। अभी बता जो जो गर्ल्स देख रही है इस वीडियो को, उनके जो गर्ल्स देख रही है वो यही टिप्स है यार कि कटिंग ना करवाए ना करवाए क्योंकि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसने बोला था इतने 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 और इतने इतने करके इतने पहुँच गए। एक चीज है उसने बहुत अच्छी तरह से समझाया, हाँ उसने मेरे को बताया कि आपको हेयर कट की जरूरत है, आप जितने कटिंग करोगे उतनी ग्रोथ होगी अच्छी। और मेरे को कहा है कि मतलब मैंने हेयर स्पा भी करवाना था बट मैंने हेयर स्पा नहीं किया क्योंकि उन्होंने मेरे को मना कर दिया, कहते अगर आप राइड पे जा रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं है, आप पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से आके आप हेयर स्पा करवाना ताकि आपके बाल और भी सही हो जाए। तो ओवरऑल बहुत मतलब जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे स्मृति कैसे लग रही है, एंड सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज, बहुत गर्मी है और अभी एसी ऑन है, ऑल्दो हमने पंखा ऑफ किया बट एसी अभी भी जम्मू में 37-40 degrees जैसा भी है बहुत अच्छा है। और आज के व्लॉग के अंत करने का समय आ गया है, दोनों बिल्कुल टिप टॉप हो चुके हैं लद्दाख ट्रिप के लिए। मैं कमेंट सेक्शन में इतना इतना कटिंग करवानी चाहिए, मतलब इतने इतने रखने चाहिए ना। नहीं यार सही है जैसा भी है, मुझे तो ठीक लग रहा है बट हाँ फर्स्ट थॉट था कि हाँ अच्छे नहीं लग रहे बट अभी लग रहा है ठीक है, और घर से भी अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले तो यस इट्स इज अ गुड हेयर कट फॉर मी। बट अगर आप लोग भी बताओगे तो कैसा लग रहा है, थोड़ी इसकी टेंशन दूर हो जाएगी, कमेंट्स अच्छे आएंगे तो इसकी टेंशन दूर हो जाएगी। लग रहा है कि यार पहले इतने लंबे बाल थे ना मेरे, दुख हो रहा है थोड़ा बहुत। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सो गाइस विद दैट सेड आज का ये छोटा सा यूनिक व्लॉग इस चैनल पे पहली बार अपलोड हुआ है, सो होपफुली आप इसको प्यार दोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को अगर आप नए हो। अब हम आस्ता आस्ता धीरे धीरे मतलब अपनी डेली लाइफ भी दिखा रहे हैं आपको। यस पहले तो हम बाहर जाके शूट करते थे, अब तो घर की चीजें भी शूट कर रहे हैं, घर की चीजें शूट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉन्टेंट हम खराब करेंगे, हम कॉन्टेंट में हर कॉन्टेंट में एक मैसेज देंगे आपको हर चीज। इसका रेट भी बता दें, इसका हमने 700 rupees पे किए इस कटिंग के लैक्मे का, और आई थिंक लैक्मे का बहुत अच्छे से कटिंग मतलब पहले वॉश किए हेयर, देन पूरा ऐसे अच्छे से कटिंग की, देन ड्राई की एंड स्टाइलिंग भी, कर्ल वगैरह उन्होंने। और अभी हम दूसरे दिन शूट कर रहे हैं, उस दिन के नहीं है मतलब कल ओ, हाँ, ये तो बताना भूल गया मैं, और ये आज है मतलब अभी भी मेरे बाल पूरे ऐसे ही रहे हैं तो बहुत सही है मतलब पूरा। तो ये 24 घंटे बाद हम आपको एक रिव्यू दे रहे हैं हेयर कटिंग का, हाँ तो मेरे को सही लगा ये, ऐसा नहीं है कि उन्होंने टाइम पास नहीं किया अच्छे से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, इट्स गुड बाय फ्रॉम आवर साइड, विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन राइड राइट सेफ राइड हैप्पी राइड कॉन्फिडेंट एंड प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खाओ पियो मजे करो ऐश करो गाइस, क्या पता कल हो ना हो, इस लाइफ में जो करना है करो। और आप इस चैनल पे बने रहो, लद्दाख राइड भी आ रही है या फिर उत्तराखंड, वैसे 99% लद्दाख राइड ही जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत सब कुछ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ट्रिम, मैं भी चिजल लुक आया, मेरी जॉ लाइन दिख रही है, थोड़ी थोड़ी पतले हो रहे हैं हम लोग, सुबह सुबह जिम में मारते हैं, मेरे को कह रहे हैं कि मैं ज्यादा मोटी हूं। चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।